तो ऐसा है ना कि अगर आप लोगों को मुंबई जाना है तो आपको यहाँ से सर्विस रोड लेना पड़ेगा, क्योंकि आगे आते हैं थोड़े बहुत सिग्नल्स, तो वहाँ पर अच्छा खासा ट्रैफिक जाम लग जाता है। तो वहाँ पर एक फ्लाईओवर बन चुका है अभी अभी घाटकोपर फ्लाईओवर, जो कि हम देखेंगे। तो ये रहा सर्विस रोड मुंबई के लिए, तो वहाँ से स्ट्रेट जाना पड़ता है, वरना आएगा एक ये सिग्नल, उसके बाद एक और सिग्नल ये वाला, और उसके बाद घाटकोपर के लिए एग्जिट लेके आपको लेना है राइट। तो यहाँ पर अच्छा खासा ट्रैफिक जाम लग जाता है। तो यहाँ पर एक फ्लाईओवर अभी अभी कंस्ट्रक्ट हुआ है, फ्लाईओवर बनने के पहले यहाँ पर अच्छा खासा ट्रैफिक जाम लग जाता था, क्योंकि यहाँ पर सर्विस रोड है जो कि थोड़े बहुत लोग लेते हैं, थोड़े बहुत लोग नहीं लेते, ऐसा भी है। और नीचे से आप लोग जा सकते हो टूवर्ड्स घाटकोपर, मरोल, साकिनाका, अंधेरी, तो वहाँ पर आता है घाटकोपर अंधेरी लिंक रोड। तो थोड़ी सी राहत मुंबई वालों को जो भी ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे लेते हैं और फ्रॉम मुलुंड से ट्रैवल करते हैं टूवर्ड्स मुंबई के अंदर अंदर, तो उनके लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड का जो लेन है वो पहले चालू था, पर ये वाला जो लेन है उसे अभी अभी चालू किया गया है। तो इसका काम शुरू हुआ था मई 2018 को और ये ख़त्म हो गया नवंबर 10, 2020 को, मतलब अभी अभी लास्ट वीक इसका ओपनिंग हुआ है। और ये वाला फ्लाईओवर है 693 मीटर्स लॉन्ग, 33.05 करोड़ में बना हुआ। तो ये फ्लाईओवर के ऊपर थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा घाटकोपर जाने वाले लोगों के लिए, बाकी कुछ नहीं। आगे जो मेन फ्लाईओवर जिसका कंप्लीशन मैं चाहता हूँ वो है घाटकोपर मानकोड लिंक रोड, सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड, गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड, ये सब कब बनेगा पता नहीं, पर होपफुली वो सब भी जल्दी जल्दी बन जाए, क्योंकि ट्रैफिक की बड़ी मेजर प्रॉब्लम है मुंबई में। सूर्यदेव सामने है इसके लिए वीडियो ऐसा है, पर अभी हम लोग यू टर्न ले चुके हैं। तो यहाँ पर राइट साइड में एक और फ्लाईओवर है जिसका कंप्लीशन अभी बाकी है, तो इसको थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अभी अभी शुरू हुआ है। और अभी हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स घाटकोपर साइड, तो तभी हम लोग आ रहे थे फ्रॉम पवई से टूवर्ड्स घाटकोपर, अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, तो आगे से मैं ले लूँगा लेफ्ट। वैसे अभी फ्लाईओवर बन चुका है तो ट्रैफिक का उतना पता चला नहीं, पर अगर आप लोग आ रहे हो फ्रॉम थाने से मुंबई के अंदर तो आपको कहीं पर भी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता, पर बस ये जो इंटरसेक्शन हमने देखा घाटकोपर का, यहाँ पर बहुत ट्रैफिक हो जाता है। तो थोड़ा सा ईज हो गया है ट्रैफिक को रिलीफ ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में। तो ये जो जाने वाला साइड है राइट हैंड साइड में, ये पहले बना हुआ था और ऑपोजिट साइड का लेन अभी अभी शुरू हुआ है। बस इतना ही था इस छोटे से वीडियो में, घाटकोपर वालों के लिए थोड़ी सी हेल्प हो गई है। यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो हम पहुँच जाएंगे घाटकोपर अंधेरी लिंक रोड। तो बस इतना सा ही था, बहुत टाइम के बाद मैंने सुना कि मुंबई में कोई फ्लाईओवर कंप्लीट हो चुका है आफ्टर चूनाभट्टी फ्लाईओवर, तो मैंने बोला चलो इसका एक छोटा सा वीडियो बना देते। वैसे ये वाला फ्लाईओवर एकदम मेजर इंटरसेक्शन में नहीं है, पर तो भी ये जो हाईवे का अच्छा खासा ट्रैफिक इसने कम कर दिया होगा। चलो यहाँ से मैं अभी ले रहा हूँ लेफ्ट टूवर्ड्स घाटकोपर, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, चलो बाय।